21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम जिला क्रीड़ा संकुल में मनाया गया। प्रस्तुत है इस पर सीटीवी की विशेष प्रस्तुति। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे भारत में नहीं विश्व के अनेक देशों में मनाया गया। चंद्रपुर में जिला स्टेडियम में योग दिन मनाया गया। इस दौरान चंद्रपुर शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ आम नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी, जिसमें मुख्य रूप से जिला परिषद के अध्यक्ष देवराव भोंगड़े, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के राहुल करडिले, महापौर अंजलि घोटेकर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी के साथ जिला प्रशासन तथा जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण के साथ शिक्षणाधिकारी माध्यमिक संजय टोलीकर, जिला क्रीड़ा अधिकारी अनंत बोबड़े, इको प्रो के बंडू धोत्रे, डॉक्टर मंगेश बुलवाड़े के साथ में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी तथा पतंजलि योग परिवार के विमल कास्टिया एवं उनकी टीम ने लोगों को योग सिखाया। योग दिवस के नजारे को कैमरे में कैमराबंद करने के लिए सीटीवी की टीम भी वहां पर मौजूद थी। प्रस्तुत है इस योग दिवस पर सीटीवी की विशेष प्रस्तुति। इस समय हम लोग मौजूद हैं वैभव रुयारकर के साथ में, सीटीवी की उसकी टीम इस समय जिला स्टेडियम में इस समय यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि आप लोग अच्छी तरह इस बात से अवगत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज दिन है और इस समय 21 जून इस समय सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं और इस समय दुनिया के अनेक जगहों पर मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल से एक प्रकार से एक नई शुरुआत, जो प्राचीन हमारी परंपरा इतनी सदियों से चली आ रही है, और एक इंटरनेशनल योगा डे के रूप में यहाँ पर, और इस समय आप देख सकते हैं वैभव से मैं आग्रह करूँगा यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर योग साधक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें जिस प्रकार से विधिवत सारी क्रियाओं के साथ में लगभग पूरा चंद्रपुर वैभव, जैसा कि वैभव ने अभी आपको दिखाया कि समय सारे लोग यहाँ पर प्राणायाम योग यहाँ पर किया जा रहा है। सारी शक्तियाँ इंसान के अंदर ही निहित रहती है, सिर्फ उस इंद्रियों को जगाने की आवश्यकता होती है, जैसा कि संतों महात्माओं ने जितने सदियों से जो पुरानी परंपरा यहाँ पर चल रही है उसका एक यहाँ पर जीता जागता सबूत यहाँ पर कि ईश्वर ने सारी प्रदत्त चीज़ें हमारे अंदर ही निहित रहती है, बशर्ते उस इंद्रियों को जगाने की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में लोग इस समय योग, हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे बहुत कुछ इसके बारे में वैभव रुयारकर के साथ में। वापस सीधे हो जाइए, पीछे की ओर जाएंगे, शिथिलीकरण की पहली वापस एक बार और ये प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि शिथिलीकरण दो बार करना है। फिर से राइट साइड में गर्दन घुमाइए, चार से हाथ साइड में लाना है, अपने हथेलियों को नीचे की ओर कर लीजिए और वापस दो तीन, कोहनी आपकी आगे मुड़े, आगे जुड़ जाए, वापस। देखिए दोनों हाथों का उपयोग करना है। अब राइट साइड घूमेंगे, बाया हाथ लेफ्ट, ये हो गया हमारा घुटना संचालन। अब हमारी ये शिथिलीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। हमने सर से लॉक करके अपने हाथों को सिर के ऊपर रखिए, सिर के ऊपर पहले रखिए, अपने हथेलियों को मोड़िए और सिर पे रखिए, अपने पाँव के पर प्रणाम कीजिए, हाथों को मिला लीजिए। इसमें लेना है जिसके कमर में दर्द है, मेहरबानी करके इस आसन को ना करें, ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, कमर में दर्द वाला आसन ना करें। तरह के आसन यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि आसन से क्या फायदे हैं, प्राणायाम के क्या फायदे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर जो है भद्रासन, ये भद्रासन है आपके सामने जो चल रहा है। इस समय जितने भी महानुभाव बैठे हैं भद्रासन चल रहा है इस समय आपके सामने। भद्रासन की एक अलग प्रक्रिया वो आपके सामने दिखाई दे रही है। तमाम तरह के सुबह से यहाँ पर लगातार योग लोग कर रहे हैं। अब श्वास छोड़ते हुए आप अपने घुटने को बीच हाथों को बीच से निकाल कर सामने की ओर जाइए, आपकी गर्दन जमीन पे लगे, ठुड्डी जमीन पे लग जाए, हाथों को खिसकाते हुए दोनों हाथों को एक साथ खिसकाइए और अपनी गर्दन को नीचे डालने के साथ अपनी ठोड़ी को जमीन पे लगाइए ताकि आपकी गर्दन उठ जाएगी ऑटोमेटिक। जब हम ठोड़ी को लगाएंगे तो आर्थराइटिस को मिटा सकें, तो इसके लिए वक्रासन के लिए अपने राइट पाँव को घुटने को उठाइए और लेफ्ट कोहनिया जमीन के टिका दीजिए, सर कोहनियों को जमीन के टिका दीजिए, आगे हाथ आगे लेंगे तो कोहनिया टिक जाएगी जमीन के,
अब अपने दोनों पांव को 30 डिग्री तक उठाना है, 30 डिग्री केवल, घुटने ना मोड़े, अपने कपालभाति की प्रक्रिया। आज तक किसी ने अपने हाथ को देखा क्या? आप पांव उठाते हैं कि कपालभाति करते समय सबको योग दिवस जैसा कि आज हर जगह मनाया जाता है, गुलवाड़ी सर आपका क्या कहना है इस बारे में? सर्वप्रथम आजच्या या जागतिक योग दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आणि आज पुरातन काळापासून आपल्याकडे योग साधना होत असते, आज देखील होत आहे, आणि ह्या योग साधनेमुळे आपलं आरोग्य सुंदर आणि सुदृढ ठेवायचं एक चांगला उपक्रम आहे, तर या उपक्रमाला मी माझ्या सर्वांना शुभेच्छा। पहिले तर मैं 21 जून योग दिवस का, जागतिक योग दिवस का सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और योग जो है वो हमारा प्राचीन कसरत है, वर्जिश है, जिसके माध्यम से हम शरीर की शुद्धि करते हैं, और यह सबने करना चाहिए। इसलिए मैं सबको एक ही विनती करती हूँ कि करो योग, रहो निरोग। इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ कहें सर? 5 साल से हम अंतर्राष्ट्रीय योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मतलब इस 5 साल में बहुत बड़ी तौर पे हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम की विशेषता है कि गवर्नमेंट, माननीय जिलाधिकारी साहब, जड़पी, जिला क्रीड़ा अधिकारी और पूरे जो निजी तौर पे जो योगा करते हैं, उन्होंने सब में साथ में आके ये कार्यक्रम किया है जी। और मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट या पब्लिक ऐसा कोई भेद नहीं है, सब जी, 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 जी। एक साथ आके कर रहे हैं, तो बहुत आपने देखा होगा कि कितने आनंद से सब लोग कर रहे हैं, और निश्चित इसका बहुत फायदा है। जैसे योग से काफी फायदे हो रहे हैं, जैसे लोगों को काफी फायदे हो रहे हैं, इसलिए जिस प्रकार से शुरुआत की, अच्छी शुरुआत की है। हाँ, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हमारा यह प्रयास रहेगा कि ये हमेशा एक आदत की तौर पर कायम हो, क्योंकि इसका पर्पज है कि योगा को पॉपुलराइज करना, आम लोगों में, स्टूडेंट्स में या जो आम आदमी है उनमें योगा पॉपुलर हो, उनको पता चले, और पता चलने के बाद ये आदत की तौर पर डेली होना चाहिए, तो इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। देखिए, हमारे साथ में आदरणीय समय हमारे जिला परिषद के सीईओ सर गढ़ीले सर ने बताया कि योगा का कितना बेनिफिट है, और इसमें हर कोई एक रंग में रंगा हुआ है। जिला स्टेडियम में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। इसके पहले योग की विधिवत जो हमारी प्राचीन परंपरा सदियों से, अब एक नया स्वरूप योग डांस यहाँ पर देख सकते हैं। इसके भी काफ़ी बेनिफिट, इसके भी काफ़ी फायदे लोगों को रहे हैं, और बड़ी तादाद में मेरे पीछे वैभव से मैं आग्रह करूँगा, एक बार वैभव दिखाएंगे, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हैं, इस योग डांस में एक अलग, एक नया स्वरूप इस समय आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस बारे आज योग दिवस के बारे में कुछ कहें? संपूर्ण जगह मध्ये आज 5वा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा करता हूँ। डिसेंबर 2014 मध्ये जेव्हा संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण जगाला सांगितलं, योग एक प्राचीन क्रिया, संतांनी या देशाला दिलेला असा एक संधी आहे की ज्या माध्यमातून आपण आपलं आंतरिक शरीर हे स्वच्छ करू शकतो, आणि गेल्या 5 वर्षापासून संपूर्ण योग हा संपूर्ण जगामध्ये आपण करतो। योगाच्या माध्यमातून आपलं मन, आपलं शरीर आतून साफ होते। योगाच्या माध्यमातून असाध्य जे आजार आहे त्या आजारावर आपण नियंत्रण प्राप्त करू शकतो, आणि म्हणून जे भारतीय प्राचीन ऋषी मुनीने जे आम्हाला देण दिली होती, आज 21व्या शतकामध्ये सुद्धा या योगाचं महत्त्व आहे, आणि हे महत्त्व आजच्या जागतिक योग दिनाच्या माध्यमातून या देशातल्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचं काम या ठिकाणी सुरू आहे। हे तर हमारे साथ में जिला परिषद अध्यक्ष देवराव मंगळे, जिस प्रकार से योग का पूरा आपको पता, काफी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इस समय योगदान चल रहा है। वैभव रिहारकर के साथ में मैं मोंटू सिंह।